अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। व्यूअर्स, आज हम पढ़ेंगे पीस ऑफ 408 हेल्थ साइकोलॉजी के लेसन नंबर 13 को। इससे पहले लेसन स्टार्ट करें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें। टाइम ज़ाय के बगैर चलते हैं लेसन की जानिब। इसके अंदर हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे 13 से लेकर 22 तक, हम इसी को कंटिन्यू रखेंगे, वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस का आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है। स्ट्रेस के हम, या इन्होंने एक स्टोरी सुनाई हुई है, बयान की हुई की है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। स्ट्रेस, व्हाट इज स्ट्रेस से हम देखेंगे। कह रहा है कि स्ट्रेस के दो कंपोनेंट्स हैं, फिजिकल और साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल। फिजिकल में बॉडी इन्वॉल्वमेंट होती है, साइकोलॉजिकल में, फिजियोलॉजिकल में जो है वो परसेप्शन इन्वॉल्व होती है। आगे कह रहा है कि दीज कंपोनेंट्स कैन बी एग्जामाइन इन थ्री वेज। तीन तरीकों से इन कंपोनेंट्स को एग्जामाइन किया जा सकता है। नंबर वन में मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है येलो कलर से कि पहली अप्रोच में फोकस माहौल पर किया जाता है और स्ट्रेस को स्टिमुलस की शक्ल में देखा जाता है, जैसे हाई स्ट्रेस जॉब्स होती हैं, यानी कि एनवायरनमेंट की वजह से जो स्ट्रेस होता है। इसके अंदर कह रहा है कि जो स्ट्रेसर्स हैं, कितनी कौन से स्ट्रेसर्स होते हैं, टाइप्स लिखी हुई हैं। पहली है कैटास्ट्रॉपिक इवेंट्स, जिस तरह तूफान का आना, बिजली का गिरना, जलजला आना। दूसरा मेजर लाइफ इवेंट्स हो गए, किसी करीबी की मौत हो गई, कोई बुरा हादसा हो गया। तीसरा है क्रॉनिक सर्कमटांसेस, मतलब पेन, कंटिन्यू पेन का रहना एक लंबे अरसे के लिए। सेकंड अप्रोच जो है वो है, इसमें स्ट्रेस को रिस्पांस के तौर पर समझा जाता है। इसमें दूसरों की रिएक्टिव रिएक्शंस पर फोकस किया जाता है, लोगों के रिएक्शंस किस तरह स्ट्रेस को कॉज करते हैं, ये जिसके अंदर देखी जाती है। द पर्सन साइकोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज टू अ स्ट्रेसर इज कॉल्ड स्ट्रेन। जो एक स्ट्रेस है, एक स्ट्रेसर है, एक स्ट्रेन है। स्ट्रेस तो वो होती है ना जो स्ट्रेसर कॉज करता है। स्ट्रेसर कोई भी नेगेटिव इवेंट जो होता है वो स्ट्रेसर कहलाता है, वो क्या करता है, स्ट्रेस कॉज करता है। और स्ट्रेस कॉज करने के नतीजे में, स्ट्रेस की वजह से जो असर होता है ना, स्ट्रेसर जो इफ़ेक्ट डालता है बॉडी पर, जो बॉडी का रिएक्शन होता है उसके नतीजे में, वो स्ट्रेन कहलाता है। थर्ड अप्रोच क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, स्ट्रेस इज़ अ प्रोसेस विच इंक्लूड्स स्ट्रेसर्स, स्ट्रेन्स, इंटरेक्शन बिटवीन पर्सन एंड एनवायरमेंट। ट्रांजेक्शन क्या हैं? रेड लाइन से अंडरलाइन किया है मैंने। वो प्रोसेस जिसमें इंसान का माहौल पर और माहौल का इंसान पर गहरा असर पड़ता है, ट्रांजेक्शन्स कहलाती हैं। अप्रेजिंग इवेंट्स एज स्ट्रेसफुल, यहाँ से हम देखते हैं अप्रेजिंग इवेंट्स एज स्ट्रेसफुल। इसके अंदर सबसे पहले तो वो ट्रांजेक्शन की ही बात कर रहा है कि वो कह रहा है कि जिस तरह हमने ट्रांजेक्शन को मैंने डिफ़ाइन किया था कि वो प्रोसेस जिसमें इंसान का माहौल और माहौल का असर, दोनों का एक दूसरे पर जो असर पड़ता है। कह रहे कि ट्रांजेक्शन इज़ इन्वॉल्वड इन असेसमेंट प्रोसेस कॉल्ड कॉग्निटिव अप्रेजल। इट हैज़ टू इम्पोर्टेंट फैक्टर्स। इसके दो इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं, इन दोनों को यहाँ पे बयान किया गया। पहला है कि वेदर अ डिमांड थ्रेटन्स देयर फिजिकल और साइकोलॉजिकल वेलबींग। दूसरा, रिसोर्स अवेलेबल फॉर मीटिंग द डिमांड। यहाँ पे दो तरह की अप्रेजल होती हैं, प्राइमरी अप्रेजल पहले देखते हैं। प्राइमरी अप्रेजल क्या है? अप्रेजल कहते हैं असेसमेंट को, जो ये फैक्टर्स हैं अप्रेजल की, दो टाइप्स बयान करते हैं। पहले प्राइमरी अप्रेजल, प्राइमरी असेसमेंट। जब हमें कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन का सामना होगा, मसलन हमें किसी वजह से दर्द होती है, तो फौरी तौर पर हमारा जहन ये असेस कर लेगा कि ये कंडीशन किस हद तक सीरियस है। फौरी असेसमेंट जो हम करते हैं एक स्ट्रेस की, ये प्राइमरी अप्रेजल कहलाती है। और थ्री, इसको जजमेंट करने के तीन मेथड हैं प्राइमरी अप्रेजल को, तीन तरह से हम जज कर सकते हैं। पेन नंबर वन, इट इज़ इररेलेवेंट। हम देखते हैं कि पहले भी इस किस्म की पेन हुई थी जो कि जल्दी ठीक हो गई थी, कि हम इस पेन को भी, तो हम इसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। नंबर टू, इट इज़ गुड। बाज़ औक़ात हम सोचते हैं कि बीमार होने की वजह से हमें स्कूल से छुट्टी हो जाएगी, ऑफिस से छुट्टी हो जाएगी। नंबर थ्री है, इट इज़ स्ट्रेसफुल। बाज़ औक़ात मौजूदा कंडीशन जो होती है वो पहले हो चुकी होती है और लास्ट टाइम इसके बहुत बुरे असरात होते हैं, इस वजह से हम इस दफ़ा भी डर जाते हैं और स्ट्रेस फील करते हैं। आगे कह रहा है कि
सेकेंडरी अप्रेजल की वो बात कर रहा है, ये जितने भी चीज़ें हाईलाइट की हुई हैं इम्पोर्टेंट है एमसीक्यूज़ के हवाले से इनको याद कर लीजिएगा। सेकेंडरी अप्रेजल, अप्रेजल हमारे सेकेंडरी असेसमेंट भी कह सकते हैं इसको, हमारे इनर सोर्सेज की असेसमेंट है जो कि हम सिचुएशन से किसी हद तक कोप कर सकते हैं, कोप करना, मुकाबला करना, डील करना। हम दो तरीक़ों से स्ट्रेसेस से डील करते हैं, पॉजिटिवली और नेगेटिवली। पॉजिटिव में कहते हैं, बंदा कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं इस काबिल नहीं हूँ। नेगेटिव में बंदा ये कहता है, पॉजिटिव में बंदा कहता है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, मुझ में काबिलियत है, मैं स्ट्रेस के साथ कोप कर सकता हूँ, इसका मुकाबला कर सकता हूँ। कह रहे कैन स्ट्रेस अक्कर विदाउट कॉग्निटिव अप्रेजल, जी हाँ, स्ट्रेस सोची समझी पहले से मौजूद रीजंस की वजह से ही सिर्फ नहीं होती, ये अचानक भी कॉज हो सकती है। जैसे आपकी गाड़ी के साथ कोई और गाड़ी टकरा जाए तो आप फौरन शॉक हो सकते हैं, जो कि स्ट्रेस कॉज करती है। व्यूअर्स, ये था आपका पेज 408 का लेसन 13। आई होप आई मेड इट क्लियर। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।